पन्ना जिले में गरीबों को मिलने वाली खाद्यान्न योजना में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। यहाँ सेल्समैन गरीबों के राशन पर डाका डालकर बैठा हुआ है। सेल्समैन दिन दहाड़े बिना किसी डर के 2500 क्विंटल सरकारी राशन को एक व्यापारी के घर भेज रहा है। पूरा मामला अजयगढ़ धर्मपुर थाना के किरतपुर का है, जहां सहकारी उचित मूल्य की दुकान का सेल्समैन पथरा यादव दिन दहाड़े बिना किसी डर के पिकअप वाहन में 25 क्विंटल के लगभग सहकारी गेहूं को जो है धर्मपुरा के एक व्यापारी के घर में वाहन से उतार रहा है। तभी ग्रामीणों ने धर्मपुर थाना पुलिस को सूचना देकर कालाबाजारी कर रहे सेल्समैन को खाद्यान्न सहित पुलिस के हवाले कर दिया है। धर्मपुर थाना पुलिस ने मौके से वाहन सहित सरकारी खाद्यान्न जब्त कर लिया है। पुलिस ने संबंधित विभाग को जांच के लिए सूचना दी। कीरतपुर सेल्समैन का कालाबाजारी को लेकर यह पहला मामला नहीं है कि ऐसी चीजें सामने आई हो। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर एसडीएम अजयगढ़ ने दुकान को सील कर दिया है। मेरा ये कहना है कि कीरतपुर ग्राम मतलब सेल्स सोसाइटी से 52 बोरी मथु प्रसाद यादव गल्ला भर के धर्मपुर में सुखदेव मास्टर के घर के पास ग्रामीणों ने पकड़ा है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। सेल्समैन पहले से विवादित है, गल्ला नहीं बांट पाता था, अब वही उसका ट्रांसफर भी हो गया धर्मपुर के लिए। अब उसी के चार्ज में जो बचा हुआ गल्ला है वो ब्लैक करने के लिए अजयगढ़ ले जा रहा था। आज सुबह करीब 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि जो बथुरा प्रसाद यादव हैं, जिनका ट्रांसफर अभी कीरतपुर सोसाइटी से धर्मपुर सोसाइटी हुआ है, ये 52 बोरी करीब गल्ला पिकअप गाड़ी पर भरकर यहाँ लाए हैं। जो सूचना की तस्दीक हेतु तत्काल पुलिस भेजी गई थी, जब और दुकान के सामने से एक पिकअप वाहन में 16 बोरी गेहूँ अनाज का मिला है, जिसको सुरक्षा थाने में खड़ा कराया गया है। अग्रिम जाँच कार्रवाई के लिए खाद्य इंस्पेक्टर को लिखा गया है। श्रीमान एसडीएम महोदय को भी फोन द्वारा बताया गया है। जो टीम आ रही है, जो जांच करेगी, जो भी जांच के तत्व सामने आएंगे, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।